हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजोरा ड्रेस डिज़ाइंस। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग से पहले मैंने इसकी थ्योरी भी शेयर की है। और हेल्टर नेक कुर्ती है ये, स्लीवलेस होती हैं। तो इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ थ्योरी मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस कुर्ती को बनाया है। तो उसमें हम पहले ड्राफ्ट शेयर करते हैं, उसके बाद हम कटिंग स्टिचिंग शेयर करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये सूट का कपड़ा यूज़ किया है, जो हमारा सूट का कपड़ा आता है प्रॉपर 4 मीटर 4.5 मीटर, वो ही कपड़े में से मैंने इसको सूट बनाया है। और इसके जो नीचे मैंने पहनी हुई है वो गुड्डी कट सलवार है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थ्योरी भी मैं अपलोड करूंगी। तो अभी हम इस कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लिया है, क्योंकि फ्रंट में इसके सिक्वेंस सितारे और बैक की बिल्कुल प्लेन है। और जो फ्रंट पार्ट है इसमें एक पट्टी भी लगी हुई है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं हटाया, मुझे ये ठीक लग रही थी तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा। और फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे ही हम कपड़ा बिछाते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है लंबाई का निशान लगाना। तो यहाँ पे 39 इंच मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है और इसमें 2.5 इंच मैंने मार्जिन रखा है। ये जो कपड़ा मैंने ले रखा है, इस पे थोड़े निशान है, वो दिखाई नहीं दे रहे, चाहे मैं कोई भी कलर ले रही थी, बट उसको बहुत ज़्यादा डार्क करना पड़ रहा था पता नहीं क्यों, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया ऊपर से 6.5 इंच पे, और आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे। तो ये हम वैसे कॉलर वाला बना रहे हैं, लेकिन इसमें स्लीवलेस है, इसीलिए हमने इसका जो ऊपर से शोल्डर भी कम लिया है, नॉर्मल है, नॉर्मल से 1 आधा इंच ज़्यादा है, और आर्म होल भी हमने उतना ही रखा है। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे, 34 का जो फोर्थ पार्ट 8.5 होएगा, 8.5। और फिर कमर का निशान लगाएंगे और सेम एज इट इज़ हम हिप का निशान लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें ये निशान लगाने हैं। इस कुर्ती में, कॉलर वाली कुर्ती में और नॉर्मल कुर्ती में ये फ़र्क होता है, जो ऊपर से शोल्डर और आर्म होल होता है वो हमें थोड़ा बढ़ा के लेना होता है। तो ये जो निशान है वो हमने लगा दिए हैं और अब इसको हम स्केल से मिला देंगे। और मार्जिन हम रखेंगे 2.5 से 3 इंच का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं मार्जिन, आपको जितना भी रखना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 से 2.5 इंच का ऊपर से रख रही हूँ और नीचे से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का रखा है। अब हमने घेरा जो रखा था उसको अब स्केल से सीधा कर देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले हमें आर्म होल की शेप देनी है और नेक का जो है हमें 3 इंच की इसकी चौड़ाई रखनी है और 3 इंच ही हम नेक की लंबाई रखेंगे। आगे ये आगे का हम नेक बना रहे हैं, पीछे का हमारा अलग बनेगा, क्योंकि जब जिसमें बैंड कॉलर लगती है या कोई भी कॉलर लगती है तो पीछे का हमारा 1 इंच ही मैक्सिमम रहता है। इसको हम गोलाई में निशान लगा के कट करेंगे और फिर हमें यहाँ से मेन ध्यान रखना है, जहाँ से हमने निशान लगाया है, कि हमें ये पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की पट्टी रखी है, ये 2 इंच की हमारी बच जाएगी। आप चाहें तो 1.5 इंच या 1 इंच की भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी पट्टी पहनना पसंद करते हैं। अब फ्रेंच कर्व से हम इसको सीधा मिला देंगे और फिर ऐसे बिल्कुल डार्क कर देंगे निशानों को। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो ये जो मैंने 1 इंच का निशान दिखाया है, यहाँ से कॉर्नर से हम 1 इंच का ऊपर रखेंगे और फिर उसको ऊपर से गोलाई देते हुए हम इसको मिला लेंगे, वैसे भी हमारी शेप बन जाएगी। और अगर फ्रेंच कर्व है तो उससे हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। और 1/2 इंच हमें ऊपर से शोल्डर स्लोप है वो डाउन है, ये जो मैं कट कर रही हूँ यहाँ से हमें 1/2 इंच यहाँ से कम करना है। इसी के साथ इसकी हम कटिंग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये बैक पार्ट का जो कपड़ा है ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कोई भी कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट कट किया था उसको ऐसे रखेंगे। तो ये नेक का जो मैंने बताया था कि 1 इंच है, ये 1 इंच का निशान लगा लेंगे, कई बार ध्यान नहीं रहता तो हम आगे के हिसाब से ही कट कर देते हैं। इन निशानों को आपस में ऐसे लगाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे, फ्रंट एंड बैक। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब इसके हम सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो आगे का ही पार्ट है उसको साइड में रख दिया और ये हमारा पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे तो, और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब एक पट्टी लेंगे हम, इसमें इस निशान को पक्का कर लेंगे बीच वाले को, और फिर एक पट्टी लेंगे। पट्टी की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है और जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच के करीब रखी है, ये देखिए 2.5 इंच के करीब।
और इसकी जो लंबाई है वो 6.5 इंच के करीब, क्योंकि सिलाई हमारी 5 इंच तक लगेगी, बाकी हमारा मार्जिन के लिए होगा। इसको पिनअप कर लेंगे और फिर हल्का सा निशान लगा लेंगे। निशान मैं आपको जो सिलाई करने से पहले लगा के दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, तो इसको हम सिलाई लगाने से पहले, ये देखिए 6.5 इंच इसकी लंबाई और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मल जैसे सिलाई लगाते हैं तिरछे में, हल्की हल्की, बिल्कुल भी हमें गैप ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर वो बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल एक पैर से भी कम की सिलाई इसमें दी है। और फिर इसको बीच में से हम कट कर लेंगे और पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो पहले पट्टी हमें सीधी साइड रखनी है और फिर उसको उल्टी साइड हम पलट देंगे। प्रेस कर ली है मैंने इसके ऊपर और इसके ऊपर हमने सिलाई भी लगा ली है। अब इसकी कंधी जोड़ देंगे। कंधी जोड़ने के बाद देखिए ये हमारी कंधी जुड़ चुकी है। अब इसका हम ऊपर से जो बैन लगाएंगे, कॉलर लगाएंगे, उसका हम नाप ले लेंगे। जैसे ही हमारा बन जाता है उसके बाद हमें नाप लेना होता है। तो ये हमारा 19 इंच के करीब आ रहा है और इसको हम सिर में एक बार पहन के भी देख लेंगे कि आपके हेड में कंफर्टेबली आ रहा है या नहीं आ रहा। ये 6.5 इंच चौड़ाई ली है इसकी पेस्टिंग की और 9.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो इसको हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ से हमने चौड़ाई ली है, चौड़ाई की साइड से। और फिर हमने जो कुर्ती बनाई है उसकी कंधे का देख लेंगे कि हमारी कंधे कितनी है और वहाँ तक निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से इसे मिला देंगे। अब इसकी हम चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई में, चौड़ाई इसकी मैंने 1.2 इंच रखी है, 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो इसकी हम इस तरीके से ऐसे गोलाई में मिलाते जाएंगे जैसे हमारा हमने पहले जो फ्रेंच कर्व से निशान लगाया था। अब हम देख लेंगे कि 9 इंच, 9.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारा 18 इंच से ज़्यादा आ रहा था और 19 इंच से कम। तो हम 9 इंच के करीब हम 9.3 या 4 हम रखेंगे और फिर इनको ऐसे मिला देंगे। और डायगनली हम इसको तिरछा मिलाएंगे जहाँ से हमारी बैन नेक कट होएगी। तो ये बैक पार्ट है जहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के हम 2 हिस्से करेंगे, इसको बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि बैक हमारा ओपन है और फ्रंट हमारा बंद है। तो ये कॉलर की कटिंग हमने कर ली है और इसको अब हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। और कपड़ा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें इसको साइड में से भी कट करना है। तो ये देखिए मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया और आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको अब हम कट कर लेंगे। और फिर एक और कपड़ा हम लेंगे क्योंकि वो हमारा जो पेस्टिंग वाला हिस्सा वो बाहर की साइड दिखाई देगा और वो जो नॉर्मल है बिना पेस्टिंग का वो अंदर की साइड आएगा। तो इस तरीके से हमने कपड़े को ऐसे डबल करना है और फिर इसको ऐसे रखेंगे नीचे वाले कपड़े के ऊपर, पेस्टिंग वाले कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। और फिर 3 साइड हमने इसकी सिलाई लगानी है, मतलब चारों साइड नहीं सिलना है। जिस साइड से हमारा कॉलर लगेगा वो हमें खुला रखना है। तो ऐसे हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर और हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी बिल्कुल भी पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर पेस्टिंग के ऊपर हमारी सिलाई लग गई तो वो हमारी कॉलर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पेस्टिंग के ऊपर लगने से कपड़ा जो जो पेस्टिंग होती है वो टाइट होती है और उससे फिर कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा ली और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लिए। अब इसको पलट लेंगे और फिर प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली और प्रेस करने के बाद देखिए कितनी अच्छे से ये हमारी कॉलर बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है जो हम यहाँ पे जो नेक बना हुआ है वहाँ पे लगाएंगे और ये हमने लास्ट से पीछे की साइड से हमने इसको लगाना शुरू करना है। तो लगाने से पहले आप एक बार नाप के देख लीजिए कि आपकी कॉलर कंप्लीट, जो हम आपने मतलब कुर्ती का नेक कट किया हुआ है उतनी ही कॉलर हमारी तैयार हुई है या नहीं हुई है। और उसके बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे। इसको पिनअप करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कॉलर अटैच करते हैं किसी भी कुर्ती में तो या तो कुर्ती का कपड़ा बढ़ जाता है या फिर कॉलर का कपड़ा बढ़ जाता है। और अगर हम इसमें पिन लगा लेते हैं तो दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल रहता है, बैलेंस बन के रहता है कपड़े का, और हमारी कॉलर 1 टाइम में ही लग जाती है, एक बारी में ही लग जाती है। अदरवाइज कॉलर को उधेड़ना पड़ता है तो कॉलर भी ख़राब हो जाती है और फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कॉलर को लगाना। अब हमने देखी इसको अंदर की साइड से ऐसे लगाया था, इसको ऐसे कपड़े को अंदर रखेंगे और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी अंदर की साइड लगेगी और बाहर की साइड बिल्कुल
नॉर्मल जैसे बिल्कुल बारीक जैसे सीधी सिलाई हमारी दिखाई देगी। तो इस सिलाई को हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। और हमें ध्यान रखना है जो हमारा आधा इंच अंदर का कपड़ा था उसको कॉलर के अंदर ही हमें डाल देना है, बाहर नहीं रखना। ये वाला जो कपड़ा है इसको अंदर की साइड की इस तरीके से अंदर रखना है ताकि वो फिनिशिंग दिखाई दे। और फिर ऐसे कॉर्नर पे हम करके दो या तीन सिलाई लगा देंगे, इसको पक्का कर देंगे ताकि कॉलर हमारी उधरे ना। तो ये हमारी कॉलर इस पे लग चुकी है। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो निशान हमने लगा रखे हैं उनको ऐसे निशान लगा के दोनों साइड ट्रेस कर लेंगे और फिर इसकी फिटिंग करेंगे। नीचे से स्लीट्स हैं वो फोल्ड कर देंगे और ऊपर से हमने उरे पट्टी के साथ इसको फिनिश करना है, जो हमारी आर्म होल है, मुड्ढा है उसको। तो ये देखिए मैंने इसको फिनिश कर लिया, फिटिंग कर ली और इसको मैंने इसमें बना दिया। तो इसी के साथ ये कुर्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर चाक फोल्ड करने हैं और नीचे से घेरा फोल्ड करना, उसके बाद ही हमारी कुर्ती कम्प्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।